कारवां टीवी हर पल आपके साथ। बरेली धमाके में सातवीं मौत, फातिमा ने दिल्ली में दम तोड़ा। आतिशबाज दमान को पनाह देने में पूरा परिवार हुआ तबाह। बरेली के सरौली थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में हुए विस्फोट में सातवीं मौत फातिमा की हुई है। उसने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया है। उसकी जेठानी, देवरानी और भाभी समेत परिवार की पांच महिलाओं की इस हादसे में मौत हो चुकी है। 2 अक्टूबर को गांव निवासी रहमान शाह के घर आतिशबाजी बनाने का काम चोरी छिपे किया जा रहा था। शाम को वहां जोरदार धमाका हो गया था। इससे रहमान शाह के घर समेत 5 घर जमीन दोज हो गए थे। रहमान शाह के बेटे बाहिद की पत्नी तबस्सुम व तबस्सुम के 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। रुखसाना भी मलबे में दबकर मर गई थी। 2 महिलाओं के शवों की पहचान सिरौली निवासी सितारा व नीना उर्फ निकहत के रूप में अस्पताल में हुई थी। रहमान शाह के पास मामूली जमीन है। दामाद नासिर के परिवार को पनाह देने के चक्कर में इस परिवार को बड़ा झटका लगा है। रहमान शाह का घर नष्ट हो गया। रहमान की पुत्रवधू, 2 पोते और बेटे की मौत हो गई। बेटी की देवरानी जेठानी भी मर गई। रहमान खुद व उसके दामाद जेल पहुंच गए। 25,000 के इनामी बेटे बाहिद को पुलिस तलाश कर रही है। कल्याणपुर धमाके में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके समेत 5 आरोपियों पर SSP ने शनिवार रात 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 बोरा पटाखे भी बरामद किए गए हैं। आरोपी बाहिद अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। देखिए कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।